नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। खबर संध्या में आपका स्वागत है। वैसे खबरों की दुनिया में हर खबर होती है अहम, लेकिन जिन खबरों ने बटोरी है आज सुर्खियां, उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे तारुफ। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया अमरावती और औरंगाबाद का दौरा। बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि राज्य मार्ग के कार्य का किया निरीक्षण। दोनों जिलों में राजमार्ग के निर्माण के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा कर जताया संतोष। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत को मुंबई के लीलावती अस्पताल से मिली छुट्टी। बीते दिनों संजय राउत की हुई थी एंजियोप्लास्टी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक को भेजा समन। प्रताप सरनाईक के आवास पर हुई छापेमारी के संबंध में पूछताछ के लिए तीसरी बार किया तलब। गुरुवार को होना होगा पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी 2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत अपार संभावनाओं का है देश। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में रिकॉर्ड स्तर पर हुआ निवेश, इसलिए भारत को सबसे भरोसेमंद साथी मानती है दुनिया। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिस्थापन और वैकल्पिक तरीकों को अपनाने में भारत की उपलब्धि को किया रेखांकित। कहा, आज कार्रवाई करना दीर्घकालिक लक्ष्य से है अधिक महत्वपूर्ण। और विश्व फुटबॉल गवर्निंग संस्था फीफा ने अपने नए नियम के तहत पेशेवर महिला फुटबॉलर के लिए मातृत्व अवकाश नियम को दी मंजूरी। 14 हफ्ते के अवकाश के साथ क्लब को चिकित्सा सुविधा में भी करनी होगी मदद।